राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले सरकार संसद में बिल पर चर्चा से डरती है। तीनों कृषि कानून किसानों पर बड़ा हमला था। ओमिक्रॉन की आहट के बीच मुंबई में बच्चों के स्कूल फिर से खोलने पर विचार, लोगों से सतर्क रहने की अपील। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष सख्त, साझा बयान जारी कर फैसले को बताया अलोकतांत्रिक, कल बुलाई बैठक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा प्रदूषण पर दिए निर्देशों का राज्यों ने पालन नहीं किया तो हम बनाएंगे स्वतंत्र टास्क फोर्स। परमवीर सिंह और सचिन वाजे की मीटिंग की जांच करेगी मुंबई पुलिस, दोनों चांदीवाला कमीशन के सामने हुए थे पेश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। लखनऊ के इको गार्डन में सहारा इंडिया परिवार के हजारों कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार का खाता सीज करने और 8 साल बीत जाने के बावजूद कोई निर्णय न देने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो मुंबई सेबी कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं त्रिपाठी जोनल एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हूं, प्रयागराज मेरा वर्किंग क्षेत्र है। आज हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के सभी जो जोन ऑफिसर्स हैं वहां से जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड कार्यकर्ता साथियों को हमने आज यहां बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि आज हम सेबी को ज्ञापन देंगे, इस बात का ज्ञापन देंगे कि पिछले 8 सालों से सम्मानित निवेशकर्ता का पैसा 24,000 करोड़ रुपया आपने लेके एकदम से सन्नाटा छा गया है, कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है सम्मानित निवेशकर्ता का। आज की डेट में हमारे कार्यकर्ता इतने परेशान हैं कि वो निवेशकर्ताओं से मिलने के लिए नज़र छुपाते हैं। आज हम लोग इको पार्क गार्डन में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सहारा इंडिया परिवार के बहुत बड़ी धनराशि 24,000 करोड़ रुपया आज 8 साल से सेबी के द्वारा रोका गया है, उस पैसे को ब्लॉक किया गया है। जबकि माननीय एक हम लोग योजना चलाते थे जिस योजना का परमिशन था भारत सरकार से कॉरपोरेट अफेयर से कि उसमें हम लोगों ने पैसा गरीब लोगों का 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार 2-2 रुपए 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके कलेक्ट किया, और उस पैसे की धनराशि को जब वापसी का समय आया तो सेबी के द्वारा उस पैसे पे विवाद खड़ा करके उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा करके उच्चतम न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ जिसमें ये आदेश हुआ कि सहारा के द्वारा 24,000 करोड़ रुपया जमा किया जाए सेबी और सहारा के स्क्रो अकाउंट में। सहारा ने तो अपने उस आदेश का अनुपालन किया, उस अनुपालन में 24,000 करोड़ रुपए सेबी और सहारा के स्क्रो अकाउंट में सहारा ने जमा किया, और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि आप सहारा के प्रपत्रों को जांच करके इनके पैसों को वापस कराइए। लेकिन आज तक हमारे 127 ट्रक जो बॉम्बे के मुख्यालय में सेबी के भेजे गए। अखिलेश यादव महोबा के दौरे पर आने वाले हैं, उनके इसी दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सपा के 2 MLC पहुंचे। दोनों MLC ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। बता दें कि अखिलेश 1 दिसंबर को महोबा में विजय रथ यात्रा को लेकर आ रहे हैं। अखिलेश यादव 3 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे। महोबा में रुकने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के आदेश पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते हमीरपुर की सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अब जिले की सड़कों का हाल कुछ और ही है, कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं सड़कों में गड्ढे में गिट्टी नजर आ रही है। इन खस्ता हाल सड़कों से ही यहाँ के लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर खस्ता हाल सड़कें दुर्घटना की वजह बन रही है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की इसी बड़ी लापरवाही को कब ठीक किया जाता है, क्योंकि जब तक सड़कों की हालत खस्ता हाल रहेगी तब तक सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती ही रहेंगी। तो हमीरपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पे बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कितने बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं,
और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, कहां और कितने बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं? ब्रिजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये खबर सामने आई है कि सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है, कितने हादसे होते रहते हैं आए दिन और कहां पे कितने गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, क्या हाल है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये तस्वीरें हमीरपुर जिले के इंगोटा खैनी मार्ग की है। यहाँ आए दिन इस सड़क पे कहीं ना कहीं हादसे होते रहते हैं और वजह होती है गड्ढा मुक्त सड़के। इसकी वजह यह है कि यहाँ तकरीबन ये सड़क लगभग 4 साल से यूं ही पड़ी हुई है और इन गड्ढा मुक्त सड़कों की वजह बताई जाती है कि इन सड़कों से आज भी चोरी छिपे बालू लदी गाड़ियां निकलती हैं और यही वजह है कि ये सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जी, एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन ये जो सड़क दिखाई दे रही है ये तो गड्ढे में सड़क दिख रही है, क्या कहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा किया था कि प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त किया जाएगा और इस दावे के तहत योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त करी जाए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को उदासीनता के चलते आज भी धरातल पर हालात जस के तस बने हुए हैं और यहाँ के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कों से निजात नहीं मिल सकी है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़े थे। फतेहपुर में एसपी राजेश कुमार सिंह की तरफ से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक की तरफ से बाग तिराहे पर बिना हेलमेट लगाने वाले बाइक चलाने वालों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस कार्यालय से बाइक के जरिए यातायात जागरूकता रैली निकाली गई और जनता को जागरूक किया गया। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को विशेषकर ईवीएम मशीन के प्रयोग को लेकर जागरूक करेगी और इसके प्रयोग के तरीके भी बताएगी। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि विधानसभा 2022 के चुनाव की वजह से सभी संबंधित तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को सभी सामग्रियों के साथ रवाना किया गया है। इस जागरूकता रथ के माध्यम से जिले में सभी मतदाताओं को जानकारी दी जाएगी। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव यूपी में कभी भी अगले ईयर में प्रस्तावित है और उसी के क्रम में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन द्वारा समरी रिवीजन और बाकी के जो व्यवस्थाएं उनका प्रोग्राम चल रहा है, जो जनपद में भी चल रहा है, उसी के क्रम में आज 3 ये वाहन मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए हैं। इसमें सारे अवेयरनेस कैंपेन और जितना भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसका एक रोस्टर बनाया हुआ है, उसी रोस्टर के हिसाब से कस्बों और गाँव में ये वाहन रहेंगे। तो ये लगातार अब चलता भी रहेगा पूरे आने वाले टाइम में। स्वीप की गतिविधियां, जागरूकता की गतिविधियां अब ये इंटेंसिफाई भी होंगी और लगातार ऑलरेडी कॉलेजेस में सब जगह हमने स्टार्ट किए। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस ट्रैक्टर रैली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा पहुंचे। मंत्री ने खुद ट्रैक्टर पर बैठकर रैली का शुभारंभ किया। जनपद के कई भाजपा नेता और विधायक भी रैली में शामिल हुए। इसके अलावा रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की गैलरी बनाई है, जिसमें कुंभ मेला, आवास योजना, किसानों को दी जा रही योजनाओं के अलावा योजनाओं के कटआउट लगाकर सरकार विकास योजनाओं के बारे में जन जन को बताने के प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में जनता को सरकार के विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी सूचना विभाग के कर्मचारी दे रहे हैं। देखिए, इस बात को हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि
जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई है, तब से जनता की विशेष करके जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं और खास करके जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। बच्चे को गर्भ में धारण करने से लेकर उसके जन्म से लेकर उसकी शादी से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर चिकित्सा शिक्षा हर प्रकार की योजना आज सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। कई बार इस प्रकार से होता है कि जनता में जागरूकता का अभाव होता है, तो जनता उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती और उसका लाभ भी नहीं ले पाती। आज यह हमारे जिला प्रशासन अंकुश शुक्ला हत्याकांड के बाद गोरखपुर का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बसपा सपा कांग्रेस ब्राह्मण सभा सहित तमाम दल के नेता धरने पर बैठ गए हैं और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सिलीपार विधानसभा से बसपा के विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रामपुर के रहने वाले छात्र अंकुश शुक्ला की हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और धरने पर बैठे नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा धरने पर बैठे नेताओं ने अंकुश शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। विगत दिनों जो अंकुर शुक्ला की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, दिन में 2 बजे जिसको अपराधियों ने मारा है उनको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे डीएम के कार्यालय पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से हम सभी ने देखा है कि अभी विधायक जी ने बताया कि अपराधियों के नाम के आगे कोई कट्टा लगाया हुआ है तो कोई अपने नाम के आगे मान्या सुरवे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लोग पहले से अपराधी बनने के फिराक में थे और प्रशासन ने इनको अपराधी बनाया है। क्योंकि पूर्व में जब उनके ऊपर मुकदमा लिखवाने के लिए ये परिवार गया था तो पुलिस ने उसको समझा बुझा करके उन्हीं का पक्ष लेते हुए इस परिवार को दबाने का काम किया था और वो जो अधिकारी हैं वो आज के समय में जेल में हैं। तो वो जिस तरीके का कृत्य किए हैं उसी के वजह से आज ये घटना घटी है, प्रशासन की वजह से ये घटना घटी है। और उसके बाद से जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो एडीएम साहब ने जिस तरीके से इस परिवार को बेइज्जत करने का प्रयास किया है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि गोरखपुर का प्रशासन जो है वो मृतक के साथ नहीं है, अपराधियों के साथ है, तो हम उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। और इन सभी चीज़ों को देख करके हम लोगों को ये संदेह हो रहा है कि गोरखपुर की जो पुलिस है और प्रशासन है वो कहीं ना कहीं गुंडों और अपराधियों के साथ मिली हुई है। तो हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इसमें जाँच हो और कोई उच्च स्तरीय समिति बना करके इसकी जाँच की जाए। सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था हमारे राज्य में बहुत बेहतर है, अगर बेहतर कानून व्यवस्था के बाद अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो सरकार अपराधियों की और पीड़ित की जाति देख के कार्रवाई कर रही है। अगर पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरी जाति का है तो उसकी कार्रवाई दूसरे तरह से हो रही है, अगर वो ब्राह्मण समाज का है तो उसकी कार्रवाई दूसरे तरह से की जा रही है। तो सरकार से हमारी मांग है कि भाई कार्रवाई कानून सम्मत की जाए, आज अपराधियों को महिमा मंडित न किया जाए। आज जिस अपराधी ने मारा है उससे पूछताछ करने के बजाय उसको जेल में सुरक्षित ठिकाने लगा दिया गया। जब सरकार एक तरफ काजल सिंह के कांड में दूसरे दिन इनकाउंटर कर देती है और यहाँ पे जब बात आती है किसी अंकुर शुक्ला की तो उसको रेड कार्पेट वेलकम देते हुए जेल भेजने का काम करती है, तो कम से कम सरकार उनको रिमांड पे ले, पुलिस उनको रिमांड पे ले और पूछे हत्या का कारण क्या है, भाई किन कारणों से हत्या हुई। क्योंकि जब अंकुर शुक्ला के परिवार के लोगों ने 6 महीने पहले वहाँ पे जब FIR किया था, रिपोर्ट किया था, तो जो अपराधी हैं उन्होंने चोरी किया था उस घर में, तब उस सरकार ने इन्हीं लोगों से पैसा दिलवा के मामले को रफा दफा कर दिया था। और उसी समय यदि अपराधी को दंड दे दिया गया होता तो मेरे ख्याल से अपराधी का ये साहस नहीं होता कि वो आज उनकी अंकुर शुक्ला की हत्या होती और एक नौजवान हमारे बीच में से असमय चला जाता। तो आज की तारीख में यदि देखिए तो सरकार की दोमुही नीति है, दो तरफी नीति है, तो हम इसके विरोध में हैं और सरकार से इसके खिलाफ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से मनीष गुप्ता की जो पीड़ित हैं उनको 50 लाख रुपया दी थी तो 1.5 करोड़ रुपया इस परिवार।
गोरखपुर में समाजवादी युवजन सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में बीते 5 सालों में अधिकतर पेपर लीक हुए हैं। जो पेपर कल लीक हुआ है उसे जल्द से जल्द कराया जाए। टेट की परीक्षा के संबंध में हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपे हैं और हमारी मांग है कि जो कल परीक्षा निरस्त हुई है उस पर अविलंब सरकार परीक्षा कराए, परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक जाने के लिए निःशुल्क साधन की व्यवस्था उपलब्ध कराए और जितने परीक्षार्थी का आर्थिक क्षति हुआ है उस आर्थिक क्षति का मुआवजा भरे। इस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। निरंतर 5 साल से जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निरंतर यह सरकार सारी परीक्षा को फेल साबित हुई है, फेलोर साबित हुई है, लीक मुख्यमंत्री। इस नाते हम लोग कह रहे हैं बार बार इस बात को, क्योंकि मुख्यमंत्री इतने वीक हैं कि सारी परीक्षाएँ लीक हो जा रही हैं। इस नाते हम मांग करते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारे नौजवानों को, युवाओं को और अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अखिलेश जी की जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर शानदार तरीके से परीक्षा होगी, सारी व्यवस्था स्वस्थ होगी और 2022 में समय। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में शातिर चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जानकारी मिली है कि रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर में बने आवासों के टूटे तालों का फायदा उठाया गया और 3 आवासों में चोरों ने चोरी की। शातिर चोरों के हाथ साफ करने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना मिली। बाद में घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को भी रेल कोच फैक्ट्री में जाने से रोक दिया। चंदौली के नरसिंहपुर स्थित नेशनल हाईवे पर नशे की हालत में एक युवती मिली है, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं युवती ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि कुछ युवक गाड़ी में उसे काम के बहाने बैठा कर ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया। बलिया में धड़ल्ले से अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है, जहां अवैध कच्ची शराब पीने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। अवैध शराब को लेकर गन्ने के खेतों में बैठकर लोग पीते हैं और अवैध शराब को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ही शराब माफियाओं को शह देती है और शराब बिकवाती है, और साथ ही पुलिस के संज्ञान में होने के बाद भी धड़ल्ले से इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा है। अलीगढ़ में भाजपा के सभासद की तरफ से नगर निगम के कर्मचारी की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भाजपा के सभासद के खिलाफ नगर निगम कर्मचारी की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। साथ ही कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस से सभासद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं हंगामा करने के साथ पीड़ित कर्मचारी की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और नारेबाजी करने वाले लोगों को आश्वासन दिया है। जैसे कि जिलाधिकारी महोदया और उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, आदेश हैं कि अभी आगामी समय में जो शेल्टर होम्स हैं उनकी सभी की ना सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए और साफ सफाई वगैरह रहनी चाहिए, और भी उसके संबंध में ना और भी ना आदेश मिले थे। उसी क्रम में मैं शाम को 3 बजे अपने वार्ड ऑफिस पर आया, 3:30 बजे करीब, और वहाँ पर मैं बैठा था, संचालन कर रहा था अपना सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। उतने में ही वार्ड संख्या 4 सरायगढ़ी के जो पार्षद हैं देव कुमार, वो आए और आकर के गाली गलौज करने लगे। अलीगढ़ महानगर के सासनी गेट क्षेत्र के जयगंज बाजार में दिन दहाड़े कई बाइकों पर जा रहे युवकों ने फायरिंग की। फायरिंग करते हुए बाइक सवार शातिरों के जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवक बेवजह हंगामा करते हुए हवाई फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बेवजह हंगामा करने वाले लोगों ने कई राउंड फायरिंग की। बाद में पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिजनौर में भाजपा की तरफ से किसान रैली का आयोजन किया गया। किसान रैली में ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान ने 100 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बता दें कि बिजनौर क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध चुने जाने के बाद भाजपा नेत्री आकांक्षा चौहान ने विधानसभा सीट से ताल ठोक दी है। प्रदर्शनी मैदान में प्रस्तावित भाजपा किसान रैली में आकाश चौहान के काफिले के साथ रवाना होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उनका काफिला ब्लॉक कार्यालय से होकर रवाना हुआ। इस रैली में बड़ी बात यह है कि आकांक्षा चौहान ने खुद ट्रैक्टर चलाकर बिजनौर के लिए रवाना हुई। आगरा के थाना अछेनरा के खैरा साधना सरकारी स्कूल में दबंगों ने पुलिस के सामने सरकारी स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल के साथ मारपीट की। स्कूल की पैमाइश को लेकर दबंगों ने स्कूल में ही प्रिंसिपल की पिटाई की। प्रिंसिपल के साथ मारपीट और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरकारी स्कूल में हुए हंगामे के बाद स्कूली छात्र स्कूल में पढ़ाई छोड़कर भागने लगे हैं। अतिक्रमण हटवाने का कार्य चल रहा था, तभी अचानक नीरज यादव, अजय पाल, ओम प्रकाश, अमरचंद, अन्य लोगों ने विद्यालय परिसर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, अभिलेखों को फाड़ा गया। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मुझे उन गुंडों से बचाया और मेरी शिकायत को लेकर कार्य। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल बहुत ही धूमधाम से जाए। इसके लिए वो अपने पूरे जीवन की कमाई बेटी की शादी पर खर्च कर देते हैं। संभल जिले में ऐसी ही एक पिता का सपना साकार हो गया है और शादी के बाद दुल्हे ने दुल्हन को हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कराई। जानकारी दी गई है कि ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर को उतरवाने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई थी। इस तरह की अनोखी शादी को देखने के लिए अधिकारियों के अलावा कई और लोग भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में ठगी का बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। दरअसल मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल से खुद को विदेशी महिला बताकर युवक को ठगने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद को नीदरलैंड देश के एम्स्टरडैम शहर का निवासी बताया और फिर पीड़ित को शादी का झांसा देकर 5,78,000 रुपए ठग लिए। मामले में पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने लड़की की बातों में आकर उनके फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसे फर्जी बाड़े का पता चला और बाद में पुलिस से मदद मांगी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोषियों पर एक्शन लिया है। जो 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, ये मैटर मैट्रिमोनियल साइट पे फ्रॉड से संबंधित है, जिसमें एक मैट्रिमोनियल साइट है संगमा मैट्रिमोनी, जिस पर हमारा जो कंप्लेनेंट है उसने अपना प्रोफाइल डाला हुआ था। वहाँ उसकी एक औरत से बात होनी शुरू होती हैं, जो औरत अपना नाम उस पर उसको स्वाति बताती है और उससे चैटिंग शुरू करती है। धीरे धीरे उनमें बातचीत बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपना भाई का परिचय उस व्यक्ति से करवाती है जो अपना नाम चेतन बताता है। फिर उनसे बात करते करते आपस में शादी के लिए बात आगे बढ़ती है और वो कहते हैं कि भाई हम आपको देखने के लिए इंडिया आएंगे। जो औरत है अपने आप को नीदरलैंड एम्स्टर्डम की बताती है और अपने आप को वहाँ पर एक हॉलैंड हॉस्पिटल है उसमें कार्य करता हुआ बताती है। उसके बाद वो एक डेट तय करते हैं इंडिया आने के लिए। जिस दिन वो इंडिया आते हैं उस दिन जो व्यक्ति हमारा कंप्लेनेंट है उसके पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एयरपोर्ट से फ़ोन आता है कि भाई ये जो 2 व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहे थे ये एयरपोर्ट पर डिटेन किए गए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसा सामान है जिसकी कीमत 88 लाख रुपये है और इनका टैक्स इन्होंने पे नहीं किया है। जो इसका टैक्स पे करने के लिए हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, अगर आप इनका पे कर देते हैं तो छूट। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।